A brilliant film. Tapana, which is very awesome movie. It was amazing. It was like one word amazing. अच्छी फिल्म है, बहुत ज़्यादा. After lot of controversy, actor Alia Bhatt, Shahid Kapoor, Dildip Dosanjh and Kareena Kapoor Khan star Uttapan Jha finally hit the theaters on Friday and getting good response by the audiences. Uttapan Jha is a story that revolves around a drug abuse in north of Punjab and how the youth there have succumbed to it. Let's find out from the Mumbai audience and see what they has to say about the film. तो बताया इट्स वेरी ऑसम मूवी. शाहिद कपूर एंड यू नो आलिया भट्ट, दे हैव एक्टेड वेरी वेल. दे हैव शोन द ट्रू स्टोरी ऑफ पंजाब, हाउ द यूथ हैव बीन यू नो इनटू ड्रग्स एंड ऑल. सो या इट्स अ गुड मैसेज दैट द यूथ शुड कम आउट ऑफ ड्रग्स एंड यू नो वी शुड गेट देम इन ट्रैक. इट वाज अमेजिंग. इट वाज लाइक वन वर्ड अमेजिंग एंड एवरीवन वाज माइंड ब्लोइंग इन द मूवी, ऑल द एक्टर्स. सबसे अच्छी बात है कि ऐसा सोशल इशू उठाने की हिम्मत जिसने भी की है, फैंटम, बालाजी, अभिषेक चौबे, अनुराग कश्यप, एवरीबडी जो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, आई थिंक हैट्स ऑफ. मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि हिम्मत चाहिए पहले तो ऐसी मूवी बनाने के लिए, दूसरी बात हिम्मत चाहिए जो इन्होंने लड़ा है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज से, सेंसर बोर्ड से, कोर्ट्स तक गए हैं और इन्होंने वो किया है ताकि लोगों को पता चले कि क्या है पंजाब की प्रॉब्लम, क्या है इंडिया की प्रॉब्लम. और सब अलग अलग सोशल इशूज़ पर बना रहे हैं मूवी, पर इस पे जो पहली बार आई है आई थिंक बहुत अच्छी मूवी है, बहुत सबकी एक्टिंग सबकी वो. सो इट सीम्स द मूवी ऑलरेडी स्प्रेड इट्स मैसेज अमंग द यूथ एज दे ऑल लव द मैसेज ऑफ द फिल्म एंड प्रेज द डायरेक्टर टू कम आउट विद सच अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड दे ऑल प्रेज फॉर द पावरफुल परफॉर्मेंसेस ऑफ शाहिद कपूर एंड आलिया भट्ट. Produced by Phantom Film and Balaji Motion Pictures, the controversial film leaked online on Wednesday, 2 days ahead of its scheduled release in theaters. However, the audiences choose to watch the film in theaters and also urge others to come and watch the film in theaters. Watch here. Yeah, of course, they should watch it in the theater. Online पे पहली बात तो जो देख रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं. इतनी मेहनत लगी है इसको बनाने में, साल डेढ़ साल लगा है इसको बनाने में. फिर हाँ वही, फिर उसके बाद सिर्फ बनाने के बनाने तक नहीं, उसके बाद जो लड़ाइयाँ की हैं तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी अगर आप ऐसे देखोगे और आप प्रमोट नहीं करोगे, आप डिस्करेज करोगे लोगों को कि वो ना ऐसी मूवीज़ बनाए, ताकि क्योंकि अगर पॉलिटिक्स, सेंसर बोर्ड सब इन्वॉल्व होके डिग्रेड करना चाहेंगे और अगर जो यूथ है, लोग हैं जो देख रहे हैं ऑनलाइन, उनकी वजह से ऐसे लोग फिर करना नहीं चाहेंगे. और